Oh no! अरे भाई क्यों भाग रहे थे, क्या हुआ? जमाती वाला आ रहा था, जमाती वाला आ रहा था या कोई कर्जा वाला आ रहा था जो इतना भगा रहे थे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। नाज़रीन किराम, आप हज़रात को एक वीडियो दिखा रहे हैं जो तबलीगी जमात के ऊपर बनाई गई है। वीडियो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा इसमें सबक मिल रहा है, बहुत अच्छी नसीहत मिलती है, कॉमेडी वीडियो है। चलो सभी मिलकर देखते हैं। लंगड़ा बहुत तेज भाग रहा है भाई, सबसे ज्यादा लंगड़ा ये। बचे लू। अरे भाई क्यों भाग रहे थे, क्या हुआ? जमाती वाला आ रहा था, जमाती वाला आ रहा था या कोई कर्जा वाला आ रहा था जो इतना भगा रहे थे? चलो जमाती वाला आ रहा था। अरे साला लंगड़ा, इतना तेज भागने का क्या जरूरत था बे, कहीं पे भी नुका जाते। साला लंगड़ा दौड़ा दौड़ा के हरसानी कर दिया। अरे भजन 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 भजन, आप ठीक तो है ना? आपको चोट तो नहीं आई? नहीं नहीं। चलो अल्लाह खैर करे। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद मनोवर। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, मनोवर का माने होता है रोशन। रोशन, अल्लाह आपकी जिंदगी को रोशन करे। आमीन आमीन। अच्छा आप नमाज तो पढ़ते होंगे? जी कभी कभी। चलो अल्लाह आपको और तौफीक दे। दरअसल बात यह है कि आपके गांव के मस्जिद में जमात आई हुई है, हम दोनों निकले हैं गश्त में। आप तो मुकाम साथी है, आपको मस्जिद लिखा हुआ होगा, तो हम लोग को एक मुकाम साथी की तलाश है, आप लोग का साथ है थोड़ा सा। जी ठीक है। अल्लाह अल्लाह, चलिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी खूबसूरत लग रहे हैं आप, चेहरे पर नूर आ गई। बस बस, चेहरे पर नूर आ गई भाई। अरे अरे इसे क्या भी, इसे क्या चिपट गया भाई? गरम गरम लो मार पे लो मुक्त लो मारे पे ना वो। अभी तो खेतों जाएंगे, जमात पला लाऊं देख जाऊं वासे, तो जाके आने उधर नुके चिनू। और ये कशिनू दे नमाज पढ़ नमाज, उधर तेरा लो मार पड़ो। नमाज पढ़ो भाई नमाज। अरे तीन दिन का लगा है, फिर 40 दिन का, अल्लाह और खैर बरकत देगा इंशाल्लाह। जी 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 ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एगे माबे ती फिर कौन से रे अलै से अल्लाह मारपोल सुधरे गेलो। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह औरों को भी हिदायत दे। आमीन आमीन। अरे साथी अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम सलाम। चले नमाज पढ़ते हैं। ठीक है तुम्हारा जाम वो सही। हजरत टाइम तो है क्या, साथ में पढ़ते हैं? सुए लगनी गाड़ी चलाते में फुर्सत नहीं मिलो, धीरे भरा इस तरह वसाल से भी। अरे हजरत आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? एक बात बताइए, ये जो गाड़ी चलती है कैसे चलती है? टायर से चलती है। अगर एक टायर आपका पंचर हो गया तो आप क्या करेंगे? दूसरा स्टेप भी लगा लेंगे। स्टेप नहीं, जिंदगी भी तो हमारी एक गाड़ी की तरह है, अगर वो खत्म होगी तो आप क्या करेंगे? ये स्टेप नहीं है जिंदगी का, ईमान नमाज। तो ईमान और नमाज को साथ में रखना है, पढ़ने के बाद जिंदगी के बाद कब्र में काम आएगी। सही बात है। तो चलिए नमाज पढ़ते हैं। जी अभी तो कपड़ा पहन के है नहीं। अच्छा को बताइए साथी, आप इनके साथ रुक जाए, इसको लेके आ मस्जिद तक। चलिए साथी। अस्सलाम वालेकुम हजरत, हम अल्लाह के बंदे अल्लाह के घर से अल्लाह के काम से आए हैं। दूर मोर घोड़ा सुबह से कुछ नहीं खाया, वाल दो आया। नमाज पढ़वा चले गए? हमें अपना कल जा छोड़े नहीं, हम नमाज पढ़वा। अरे मियां तीस बचपन से सब काम संगे संगे कर लो, अरे तीन मंजिल संगे संगे नमाज पढ़वा नहीं आबो मियां। हमें यदि गोरु यदि खावा नहीं दो तो मग दूध नहीं दीबे। ईदा गोरु तो कतला दूध दो मियां? आधा लीटर। अरे बोका जन्नत अल्लाह तला बहुत ला दूध दी दो।
कसम से, कसम से, हाँ आसो नमाज पढ़ू। बस हजरत, हजरत, हजरत आप रुकिए, हमको पता है ये कैसे बाहर आएगा। अच्छा जाओ, कपड़े कपड़े, अरे वो से मैच खेला जा बोली, पहला बैटिंग दोगे तुम कौन? अरे वाडू ना मुझे। अल्लाह हिदायत दे, आमीन। हजरत लेके आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वाह, अल्लाह ने क्या फुर्तीला बनाया इसको। एक बात बताइए, आप लोग जमात को देख के भागते क्यों हैं? अरे हम लोग ना कर्जा मांगने के लिए आए हैं, न घर मांगने के लिए आए हैं, न दौलत मांगने के लिए आए हैं। अल्लाह ने इंसान और जिन्नात को इबादत के लिए बनाया है, हम लोग तो बस वही बात याद दिलाने के लिए आए हैं। आप जो इस तरह से दिन की बात से भागेंगे, अल्लाह नाराज हो जाएगा। आप चाहते हैं अल्लाह नाराज हो? नहीं। तो नमाज पढ़ना है, अल्लाह खुश होता है इससे, तो नमाज पढ़ेंगे आप इंशाअल्लाह। साथी को लेके आए। अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह भाईजान, अल्लाह के फजलो करम से हम दोनों की मेहनत रंग लाई है। अल्लाह इसी तरह हर नौजवान को हिदायत देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जमात वालों को देख कर सभी ऐसे भागते हैं भाई, जमात वालों को देख कर पूरे ऐसे ही भागते हैं जैसे जमात वाले कर्जा मांगने के लिए आ रहे हैं या कुछ मांगने के लिए आ रहे हैं। जमात वालों से मिलो भाई, प्यार करो, मोहब्बत करो, जमात वालों की बात सुनो, वक्तन फवक्तन जमात में वक्त लगाते रहो, इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ ज़िंदगी में तब्दीली आएगी।